हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, ट्रायंगल में क्वेश्चन देखा था हमारा, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3-4 हमने कर लिया था। देखो इसमें क्या दे रखा है, गिवन अ फिगर इन व्हिच LM पैरेलल है BC के और LN पैरेलल है किसके, CD के। ये लाइन LM जो है BC के पैरेलल है, LN CD के पैरेलल है। देन मुझे प्रूफ करना है AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। एम अपॉन ए बी इक्वल टू कितना लाना है, एन अपॉन ए डी। देखो पहले लेंगे गिवन एन ट्राइंगल ए बी सी, एन ट्राइंगल ए बी सी, बीपीटी अप्लाई होगी, एल एम पैरेलल है बी सी के, एल एम पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बाय बीपीटी, बाय बीपीटी एम अपॉन बी एल इक्वल्स टू कितना आएगा, ए एल अपॉन एल। क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट फिर लेंगे ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एल एन पैरेलल टू सी डी कितनी आएगी, ए एन अपॉन डी एल इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड। दोनों की राइट हैंड साइड देखो क्या है, सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एम अपॉन बी एम इक्वल्स टू कितना आएगा, ए एन अपॉन बी एम। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं भाई, एल एम पैरेलल थी बी सी के, तो हमने बीपीटी अप्लाई कर दिया, ए एम अपॉन बी एम इक्वल्स टू ए एल अपॉन बी सी। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides the two sides in the same ratio. तो AM upon BM equal आ गया AN upon DM. But हमें प्रूफ करना है AM upon AB, AN upon AD. जो लाना है इसमें AM और BM में, AN और DM में, उसको आप नीचे रखोगे। तो उसका reciprocal करते हैं, reciprocal it. कितना आने का? BM ऊपर चला जाएगा, AM नीचे आएगा। डीएम ऊपर चला जाएगा, एन नीचे, बी एम अपॉन ए एम इक्वल्स टू डी एन अपॉन ए एम, एड वन ऑन बोथ साइड, एड वन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, वन ऐड करेंगे, क्या जाएगा, वन प्लस बी एम अपॉन ए एम इक्वल्स टू वन प्लस डी एन अपॉन ए एम। एलसीएम आएगा यहाँ पे, ए एम एन सी आएगा, यहाँ पे ए एन एन सी आएगा, कितना ले गई, ए एम क्या जाएगा, ए एम प्लस बी एम इक्वल टू उधर एल सी कितना आएगा, ए एन ऊपर आ जाएगा, ए एन प्लस डी एम, ए एन ए एन प्लस डी एम, क्लियर यहाँ तक। अब देखो ए एम प्लस बी एम वो क्या लिख सकते हैं, ए बी, और ए एन प्लस डी एन को क्या लिख सकते हैं, ए डी, क्या देखा, ए डी अपॉन पी एन इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एन, आंसर में डाले ए एम अपॉन ए डी, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, अगेन रेसिप्रोकल, अगेन रेसिप्रोकल, क्या देखा, ए एम अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एन अपॉन क्लियर। गिवन क्या था, गिवन अ फिगर इन विच एल एम इज पैरेलल टू बी सी एंड एल एल इज पैरेलल टू सी डी, हमें प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एल एम पैरेलल है बी सी के, तो बी पी टी से क्या होगा, ए एम अपॉन बी एन इक्वल आ जाएगा ए एल अपॉन सी एन, फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्राइंगल ए डी सी एल एन इज पैरेलल टू सी डी, रहेगा ए एन अपॉन डी एन इक्वल टू ए एन अपॉन सी, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ए एम अपॉन बी एम इक्वल टू ए एन अपॉन कितना देखा तुमने, रेसिप्रोकल क्यों करा दो, मुझे ए एम लाना है उसमें, बी एम नहीं लाना, इसका रेसिप्रोकल करा दो कितना है, बी एम अपॉन ए एम इक्वल टू डी एन अपॉन ए एम, दोनों तरफ वन ऐड करती है, एड वन ऑन बोथ साइड, वन प्लस बी एम अपॉन ए एम, वन प्लस डी एन अपॉन ए एम, ए एम एन सी मान पे आ गया, ए एम प्लस बी एम, ए एन एन सी मान पे ए एन प्लस डी एम, एम प्लस बी एम को क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन एम, ए डी अपॉन एम, रेसिप्रोकल करा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी,
या आपको क्वेश्चन नंबर 300 कंप्लीट हो गया थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, गिवन अ फिगर इन विच डी पैरेलल ओ क्यू के, डी ओ क्यू के पैरेलल, तो इसमें पीपीटी लग जाएगी इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, डी एफ पैरेलल ओ आर के, तो इसमें पीपीटी लग जाएगी इन ट्रायंगल पी ओ आर में। तो प्रूफ करना है ई एफ किसके पैरेलल होगी, क्यू आर के पैरेलल, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, पी ओ क्यू डी पैरेलल है ओ क्यू के, देयरफॉर बाय पीपीटी पी अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू कितना आएगा, पी डी अपॉन डी। क्वेश्चन नंबर क्या है, बस इंटरगल पी ओ क्यू डी जो है किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है, तो बीपीटी रहेगी पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू आ जाएगा पी डी अपॉन डी। डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी ओ आर, इंटरगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल टू ओ आर, देयरफॉर कौन से थ्योरम बाय बीपीटी कितना आ जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी। तो इन्होंने देखो राइट हैंड साइड आपस में ही करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल, पी एफ ऑन पी क्यू इक्वल आ जाएगा पी एफ ऑन एफ आर, पी अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आएगा, पी एफ अपॉन एफ आर बाई कर दिया फोर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ किसके पैरेलल होगा, टू आर के, ई एफ पैरेलल टू, ये प्रूफ करना था क्लियर, इजी क्वेश्चन है। पहले लेंगे ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, कौन सी थ्योरम लगी, बीपीटी पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल आ गया पी डी अपॉन डी। फिर लेंगे ट्रायंगल पी ओ आर, डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के, कितना आएगा, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी, दोनों की राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल आ गया पी एफ अपॉन एफ आर के, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पी पी टी ई एफ किसके पैरेलल है, क्यू आर के, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे कह रहा है,